तितलियों की खैर नहीं। नजर उठा के भी देखा जो करबला की तरह। हुसैन में ऐसे कदम जमा के चलो। हुसैन में ऐसे कदम जमा के चलो। रहे हुसैन में ऐसे कदम जमा के चलो। गए थे जैसे खली ले खुदा में में ऐसे आलम उठा के चलो। में ऐसे आलम उठा के चलो। हजार खतरों में ऐसे आलम उठा के चलो। चराग जैसे बढ़े लश्कर हवा की तरह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम लोग बहुत अपने मौला के शुक्रगुजार हैं कि अरबईन के रोज़ हम सभी जव्वार हिंदुस्तान से अब्दुल्बासियाँ हैं यहाँ पर मौजूद हैं और हम मालिकेश्वर टू मुंबई की जाने से यहाँ पर हाजिर हुए हैं। यहाँ पर देखिए करोड़ों लोगों का इज्तिहाम है। आज BBC की रिपोर्ट रही है कि यहाँ पर अरबईन में शिरकत करने वाले 10 करोड़ लोग यहाँ पर इमाम की बारगाह में फकत सलाम करने आए। मुमकिन नहीं रहा था कि सारे लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाएं, लेकिन ये मेरे मौला का आपके मौला का एजाज है। यहाँ पर करोड़ों का मजमा आकर समा गया, पता ही नहीं चलता है। और यहाँ पर जबान का भी कोई मसला नहीं है। हमें ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हिंदुस्तान में, असल बात अगर बता दूँ कि मुमकिन होता कि हिंदुस्तान में भी हमें ऐसी फैसिलिटीज़ ना मिलती जो करबलाए मौला में अरबईन के दौरान हमको मिली। हम सभी हजरात नजफ़ अशरफ से 4 दिन की मशी करने के बाद आज कल रात करबलाए मौला पहुँचे हैं और आज इस वक्त गाजी के दरबार में खड़े हैं। और ये गाजी का दरबार जहाँ करोड़ों लोग आकर सलाम कर रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, हम दिखाना चाहते हैं ग्राफ एजेंसी की जानिब से आप सभी को कि देखिए ये इज्तिहाम के लोग यहाँ पर आए। हमारे साथ कैमरे पर हैं जनाब जॉन साहब, जनाब शबी जैदी साहब और हमारे साथ बहुत से लखनऊ के ज़ाहिर, मुंबई के ज़ाहिर, कोलकाता के ज़ाहिर। अगर एक एक सिटी का नाम लेना लिया जाए तो मेरे ख्याल से ये बहुत वक्त गुजर जाएगा। मैं अगर एक लफ्ज़ में पूरी बात कहना चाहूँ तो ये कहूँगा कि दुनिया में कौन सी ऐसी जगह है जिस जगह से इस करबला मौला पर लोग ना आए हों। वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इस्तमा से दुआ।